बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में, और मॉडल कॉलोनी में सूरती सोसाइटी है जहां पे हम 6 किलोवाट का एक प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। इसमें सोलेक्स की बैटरी और सोलेक्स का IP65 इन्वर्टर आ रहा है, पेयर है आज के प्रोजेक्ट के अंदर भी, और 12 सोलर पैनल्स जिनको एन टाइप बायफेशियल 585 वाट के आ रहे हैं। तो कोशिश होगी कि जिस तरह से हम अपना काम करते हैं अपने सिग्नेचर स्टाइल में, उसी तरह से इस प्रोजेक्ट को भी एग्जीक्यूट करें। इस फैमिली के पास 4 AC हैं जिसका लोड हम अपने सिस्टम पे ऐड ऑन करेंगे, घर का नॉर्मल लोड इस पर करेंगे। इस वक्त जिस बिल्डिंग पे हम मौजूद हैं, ये तकरीबन 5 मंजिला बिल्डिंग है, इसके ऊपर जो है ये फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर आप मेरे पास मंजर में देख रहे हैं, ये आ रहा है। तो 12 पैनल्स प्लेस होते हैं तो मैं आपको सारी चीज़ें फाइनलाइज करके दिखाते हैं कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा इन्वर्टर जो है वो आ चुका है, इनके वाल माउंट हो चुका है, डीबी बॉक्स उसके नीचे सेटल डाउन हो चुका है, और उसी के नीचे ट्रिपल पावर की सोलेक्स की लिथियम बैटरी भी आ चुकी है। तो तीनों चीज़ें जो हैं वन शॉट में नीचे आ गई हैं। अब इनके 2 DB बॉक्सेस हैं जो हम मैनेज करेंगे, ACs का लोड इनका डाला जाएगा और प्रॉपर इनका सिस्टम जो है इंशाल्लाह इनको रन आउट करके दिया जाएगा ताकि ये सोलर सिस्टम को इंजॉय कर सकें। इसमें ये सेंसर जो है ये लाजमी लगेगा, ये सेंसर आपका इस पोर्ट में कनेक्ट होगा, ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं नीचे वाली, ये नीचे वाली जो पोर्ट BMS के लिए यूज़ होती है, इसी में ये सेंसर यूज़ होता है। और इस सेंसर को आपने बॉडी के साथ टच नहीं करना, आपने इसको हवा में छोड़ देना है बाहर निकाल के, क्योंकि बॉडी के साथ टच करेंगे और गर्मियों आजकल बहुत है, जहाँ पर आप बॉर्डर लाइन इसको यूज़ करेंगे वहाँ पर इसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि ये सेंसर जो है ये ज़रूरत पड़ने पर आप इसको ट्यूबलर बैटरी इसके लिए यूज़ करेंगे। लिथियम बैटरी डायरेक्टली इसी पोर्ट के साथ कनेक्टेड होती हैं तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं आएंगे। CT जो है वो लाजमी लगेगी, और इसकी डायरेक्शन जो है वो ग्रिड की तरफ होना बहुत ज़रूरी है। इसका एरो होता है, एरो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, ये एरो जो है ग्रिड की तरफ है। सो फ्रेंड्स, ग्रुप होते हुए सूरज के साथ हम आपको दिखा देंगे, इस वक्त स्ट्रक्चर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है और इस पे सारे सोलर पैनल्स जो हैं वो आ चुके हैं। फर्दर गुंजाइश भी रखी है कि अगर आगे चल के एक्सटेंड करने पड़े तो 14 सोलर पैनल्स भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो फिलहाल 12 पैनल्स हैं, 6-6 के स्ट्रिंग हैं, और इसमें जो हमारी वायर्स आ रही हैं वो आ रही हैं 4 mm टिन कोटेड शील्ड वायर्स। तो ये हम इसको अटैच करें, बिल्कुल इसी के नीचे लग रहा है तो वायर का डिस्टेंस काफ़ी कम है। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इनको नियर बाय 6000 वाट जो है वो सोलर से मिल सकते हैं। तो इस वक्त हम वायर को प्रॉपर पैक कर रहे हैं छत के अंदर, क्योंकि कटिंग वगैरह पहले से जारी थी, इस वजह से हमने इसकी फर्दर कटिंग करके यहीं से वायरें जो है वो नीचे कंसील कर दी हैं, और अब पाइप डाल के इसको यहाँ तक ले गए। तो कोशिश करें कि जितना अच्छे से काम को सर अंजाम दे सकें, इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब हम आपको मेन स्विच वगैरह दिखाते हैं, प्रोजेक्ट की फिनिशिंग स्टेज दिखाते हैं, और आज की वीडियो को वाइंड अप करते हैं। फ्रेंड्स, दिस वन इज़ द फर्स्ट DB बॉक्स, और जिसकी हमने हर चीज़ कंसील कर दी है कटिंग करके। कटिंग इस वजह से कि जो चीज़ें हमें हमारे पास अवेलेबल थे, ऑप्शंस थे, हमने सब क्लाइंट से डिस्कस करके जो है हमने वो सारे ऑप्शंस कर लिए। जो चीज़ पॉसिबल होती है वो हम कर देते हैं। यहाँ पे इनके वोल्ट मीटर्स चेंज कर दिए, पुराने जो थे वो निकाल दिए, ख़राब थे, और सिलेक्टर्स जो है इनके 102 के थे तो यही हमने यूटिलाइज़ कर लिए। अब देखते हैं कि नीचे वाले DB बॉक्स उसमें भी चीज़ें चेंज करेंगे, क्योंकि एक इनका हैवी लोड का बाईपास आएगा, एक इनका स्मार्ट लोड का बाईपास आएगा, एक इनपुट आएगा इस इन्वर्टर का, तो 3-3 सिलेक्टर्स जो हैं वो यूज़ लाजमी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रक्चर है उसकी फाइनल स्टेज है, और ये भी CD के साथ वॉकिंग ट्रे बन गई है ताकि पैनल्स जो हैं वो इजीली वॉश किए जा सके। मैं अभी अगेंस्ट लाइट आ रहा हूँ तो चीज़ें नहीं विजिबल होंगी। स्ट्रक्चर आप देख ही चुके थे इसका पहले, तो वॉकिंग ट्रे का भी मैं आपको व्यू दे दूँ कि वॉकिंग ट्रे किस तरह से लग रही है। तो ये है आपके सामने पूरा स्टेटस, और ये लैडर के साथ वॉकिंग ट्रे बिल्कुल मिड ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो आ चुकी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसके हवाले से आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारे प्रोजेक्ट की कारकर्दगी आपके सामने है कि इस वक्त जो है वो तकरीबन 6400 वाट जो है वो सोलर से रिसीव हो रहे हैं। टोटल वैल्यू जो है वो हमारी 7000 वाट के आसपास थी,
तो इस वक्त मोर देन परफेक्ट रिजल्ट जो है वो हम अचीव कर पा रहे हैं, जिनको एंटी बायफेशियल का ये रिज़ल्ट हमसे हमारे क्लाइंट ने शेयर किया है तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट का जो है वो बॉर्डर लाइन टेस्टिंग है। इस वक्त 5 किलो वाट का रनिंग लोड है।